नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे के 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव 4 अप्रैल को हुए और आज 7 अप्रैल को परिणाम आने शुरू हो गए हैं। कई सीटों के परिणाम आ गए हैं तो कुछ सीटों के आने बाकी हैं, लेकिन रुझान आ चुके हैं। ऐसे में ये लगभग लगभग हर सीट का तय हो चुका है कि कौन किस सीट पर जीत रहा है। सबसे पहले कुछ आंकड़े हम आपको बता देते हैं कि इस बार किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलते दिखाई दे रही हैं। तो उसमें अगर बात करें तो बीजेपी 6 सीटें अब तक जीत चुकी है और 1 दरभंगा की सीट पर वो आगे चल रही है। 12 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था। जेडीयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ी, 3 सीटों पर वो जीत चुकी है और 2 सीट सीतामढ़ी और भागलपुर की सीट पर वो आगे चल रही है। आरजेडी इस बार सबसे ज़्यादा 23 सीटों पर चुनाव लड़ी, अब तक महज 4 सीटें उसने जीती हैं। 1 सीट सिवान की सीट पर वो अभी आगे चल रही है। कांग्रेस 1 बेगूसराय की सीट पर थोड़े देर पहले आगे थी, हालांकि अभी उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया है बेगूसराय का, तो अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए गठबंधन से वैशाली की सीट पर चुनाव लड़ रही थी और अपने एक लौते सीट पर उसने जीत दर्ज कर लिया है। अब बात कर लेते हैं हर सीट की कि किस सीट पर किसने बाजी मारी है। सबसे पहले बात राजधानी पटना की। राजधानी पटना की सीट हॉट सीट बन गई थी आरजेडी के तरफ से। अनंत सिंह के करीबी कार्तिकेय कुमार सिंह उर्फ मास्टर साहब को उम्मीदवार बनाया गया। दूसरी तरफ जेडीयू ने वाल्मीकि सिंह को उम्मीदवार बनाया, पूर्व एमएलसी, और लल्लू मुखिया इस सीट को त्रिकोणीय कर रहे थे लड़ाई में। इस सीट के परिणाम आरजेडी के पक्ष में गए। अनंत सिंह के करीबी कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर साहब इस सीट पर चुनाव जीत गए हैं। वाल्मीकि सिंह जो 2015 में भी तीसरे नंबर पर रहे, वो इस बार के चुनाव में भी तीसरे नंबर पर रहे और निर्दलीय मैदान में ताल ठोकने वाले लल्लू मुखिया उर्फ करणवीर सिंह दूसरे नंबर पर रहे। अब बात कर लेते हैं नालंदा की सीट की। नालंदा की सीट पर 5 उम्मीदवार मैदान में थे। रीना देवी जो कि जेडीयू की निवर्तमान एमएलसी थी, वो जेडीयू के टिकट पर, और आरजेडी ने वीरमणि कुमार को उम्मीदवार बनाया था। लोजपा रामविलास से नरेश प्रसाद सिंह भी उम्मीदवार थे। रीना देवी जेडीयू उम्मीदवार एक बार फिर यहां से चुनाव जीत गई हैं। आरजेडी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। बात कर लेते हैं गया की। पिछले कई चुनावों से जेडीयू की मनोरमा देवी यहां से चुनाव जीतते आ रही थी। इस बार भी इस सीट को जीतकर विधान परिषद पहुंचने की लालसा में थी। जेडीयू ने उम्मीदवार भी बनाया। कुल 5 उम्मीदवार गया की सीट पर उम्मीदवार थे और जीत मिली है आरजेडी के रिंकू यादव को उर्फ कुमार नगेंद्र। आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने गया की सीट पर आरजेडी का परचम लहराया है। वहीं अगर बात कर ले औरंगाबाद की सीट पर, तो औरंगाबाद की सीट भी मशहूर हो गई थी क्योंकि निवर्तमान बीजेपी के एमएलसी राजन कुमार सिंह यहां से चुनाव लड़ने से उन्होंने मना कर दिया था। कहना उनका यह था कि महंगाई बढ़ गई है, यानी वार्ड मुखिया समिति के लोगों को पैसे देकर वोट लेना थोड़ा महंगा पड़ रहा था, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अचानक नए उम्मीदवार दिलीप कुमार सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। आरजेडी ने जेडीयू के पूर्व नेता जो कि हाल कुछ महीने पहले आरजेडी में शामिल हुए थे अनुज कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया था और कुल 3 उम्मीदवार यहां से मैदान में थे। आरजेडी के उम्मीदवार अनुज कुमार सिंह यहां चुनाव हार गए और दिलीप कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। बात कर लेते हैं नवादा की सीट की, सबसे हॉट सीटों में से एक, क्योंकि राजबल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव भी निर्दलीय ताल ठोक रहे थे, आरजेडी ने टिकट काट दिया था। ऐसे में लड़ाई बेहद दिलचस्प मानी जा रही थी। जेडीयू के तरफ से सलमान रागिब जो कि निवर्तमान एमएलसी थे, 2003 से इस सीट पर लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, चौथी बार जीतने की उम्मीद से चुनावी मैदान में थे, लेकिन यहां से इस बार वो चुनाव हार गए हैं। और आरजेडी के जो श्रवण कुमार हैं
वो चुनाव वो भी हार गए हैं, जेडीयू के सलमान राघी भी हार गए और राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव निर्दलीय यहां से चुनाव जीत गए हैं। अब बात कर लेते हैं भोजपुर की सीट की, भोजपुर बक्सर की सीट, दो उम्मीदवार मैदान में, आरजेडी वर्सेस जेडीयू की यहाँ सीधी लड़ाई थी। राधा चरण साह जो पिछली बार 2015 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े जीते भी थे, अब जेडीयू में चले गए, पाला बदल लिया था जेडीयू के टिकट पर, इस बार चुनावी मैदान में थे, चुनाव वही जीते हैं। आरजेडी के अनिल सम्राट यहाँ पर चुनाव हार गए हैं। वहीं बात कर ले रोहतास और कैमूर की, नौ उम्मीदवार कुल मैदान में थे, लड़ाई ऐसी मानी जा रही थी कि आरजेडी वर्सेस बीजेपी यहां देखने को मिलेगी, दिलचस्प होगी, लेकिन जो संतोष कुमार सिंह निवर्तमान बीजेपी के एमएलसी थे वही एक बार फिर यहां से चुनाव जीते हैं। आरजेडी के कृष्णा कुमार सिंह चुनाव हार गए, दूसरे नंबर पर रहे। सारण की सीट बेहद ही हॉट सीट, क्योंकि यह सीट निर्दलीय उम्मीदवार सच्चिदानंद राय की सिटिंग सीट, लेकिन बीजेपी ने टिकट काट दिया तो बागी बनकर मैदान में उतरे। आरजेडी ने सुधांशु रंजन पांडे नए खिलाड़ी को मैदान में उतारा, बीजेपी ने भी नए खिलाड़ी धर्मेंद्र कुमार सिंह जिन्हें कोई नहीं जानता उन्हें मैदान में उतारा। कुल आठ उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन अनुभव अनुभव होता है यहाँ पर सच्चिदानंद राय ने दिखाया है। और निर्दलीय बागी उम्मीदवार बीजेपी के सच्चिदानंद राय 2015 में जो चुनाव जीते थे इस बार भी निर्दलीय ताल ठोक रहे थे, पिछली बार बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते थे, निर्दलीय ताल ठोका और चुनाव जीत लिया। अब बात कर लेते हैं सिवान की, सिवान की सीट का अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन खबरों के अनुसार विनोद कुमार आरजेडी के उम्मीदवार इस सीट पर अभी आगे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर। लोजपा से बीजेपी में आए और उम्मीदवार बने इस सीट पर बीजेपी के मनोज कुमार सिंह, वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। बात कर लेते हैं गोपालगंज की सीट की, गोपालगंज में कुल छह उम्मीदवार मैदान में थे, आरजेडी ने दिलीप कुमार सिंह को यहां पर उम्मीदवार बनाया था, बीजेपी ने जो निवर्तमान एमएलसी थे आदित्य पांडे उनका टिकट काटा, राजीव कुमार को यहां पर उम्मीदवार बनाया और राजीव कुमार यहां कड़ी लड़ाई में आरजेडी उम्मीदवार पर भारी पड़े, उन्हें उन्होंने चुनाव जीत लिया है। बात कर लेते हैं पश्चिम चंपारण की सीट की, हाल के समय में परिणामों के दौर में पश्चिम चंपारण सीट काफी दिलचस्प लड़ाई का मोड़ उसने दिया, क्योंकि प्रथम वरीयता के जो वोट थे उसमें किसी को जीत नहीं मिली, दूसरी वरीयता के आधार पर जो खबर है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है, खबर के अनुसार आरजेडी के सौरभ कुमार यहां से चुनाव जीत गए हैं। और पिछली बार 2015 में राजेश राम जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे वो जेडीयू के टिकट पर इस बार ताल ठोक रहे थे, वो तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं और कांग्रेस के अफाक अहमद दूसरे नंबर पर इस सीट पर है। बात कर लेते हैं पूर्वी चंपारण की सीट की, सात उम्मीदवार मैदान में, राजेश कुमार रोशन उर्फ बबलू देव आरजेडी से, राजेश कुमार बीजेपी से, महेश्वर सिंह इंडिपेंडेंट त्रिकोणीय बना रहे थे, मीम ने भी यहां उम्मीदवार दिया। अभी तक के रुझान पूरी तरह से क्लियर नहीं आए हैं, इसलिए बताना थोड़ा मुश्किल है, अपडेट इस पर आएगा तभी हम इसके बारे में कोई भी बात आप तक पहुंचा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की सीट की, सबसे हॉट सीटों में से एक, दो बाहुबलियों के बीच की टक्कर, दिनेश प्रसाद सिंह जेडीयू से, शंभू सिंह आरजेडी से। कहा जा रहा था कि लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी, लेकिन एक तरफा मुकाबला एक बार फिर, पिछली बार 5,086 वोटों से जीतने वाले दिनेश प्रसाद सिंह ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और इस बार 5100 से अधिक वोटों से आरजेडी के शंभू सिंह को चुनावी मैदान में शिकस्त दे दिया है। वैशाली की सीट, एनडीए से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस की गुट के तरफ से उम्मीदवार दिया गया था, भूषण राय उम्मीदवार बनाए गए थे, दूसरी तरफ आरजेडी के सुबोध राय जो कि निवर्तमान एमएलसी थे टक्कर दे रहे थे, चिराग पासवान भी तेजस्वी के साथ थे इस सीट पर चाचा को हराने के लिए, पर कुछ काम नहीं आया क्योंकि पशुपति कुमार पारस के उम्मीदवार भूषण राय ने वैशाली की सीट से जीत दर्ज कर लिया है। बात करें सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी के सीट पर कुल पांच उम्मीदवार मैदान में, शैलेंद्र कुमार आरजेडी, उन्हें खब्बू खिरहर भी कहते हैं, रेखा कुमारी जेडीयू, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दिया, लेकिन अब तक की खबरों के अनुसार कड़ी लड़ाई के बीच जेडीयू की रेखा कुमारी बढ़त बनाई हुई है आरजेडी उम्मीदवार पर। बात कर लेते हैं दरभंगा की सीट की, दरभंगा की सीट पर कुल 13 उम्मीदवार मैदान में, उदय शंकर यादव आरजेडी से दूसरे नंबर पर हैं और सुनील चौधरी बीजेपी से एक नंबर पर अभी चल रहे हैं अब तक के रुझानों के मुताबिक। पिछली बार यह सीट बीजेपी ने ही जीती थी, सुनील सिंह जीते थे, हालांकि उनका निधन हो गया। सुनील सिंह जो कि विधायक है स्वर्णा सिंह, उनके
ससुर हैं, और वो क्योंकि उनका निधन हो गया तो सीट खाली थी, सुनील चौधरी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और रुझान में अब तक वो आगे चल रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वो इस सीट पर चुनाव जीत भी जाएंगे। समस्तीपुर की सीट 2015 में बीजेपी के खाते में गई थी, हरिनारायण चौधरी यहां से चुनाव जीते थे लेकिन उनका भी निधन हो गया तो सीट खाली थी। उनके बेटे तरुण चौधरी को बीजेपी ने इस बार के चुनाव में उम्मीदवार बनाया। तरुण चौधरी ने एक तरफा मुकाबले में रोमा भारती आरजेडी उम्मीदवार को हरा दिया है। पिछली बार भी रोमा भारती इसमें चुनावी मैदान में उतरी थी आरजेडी के टिकट पर, पिछली बार भी हारी, इस बार भी हारी। पिछली बार हरिनारायण चौधरी से हारी थी, इस बार उनके बेटे तरुण चौधरी से हारी है। अब बात कर लेते हैं मुंगेर की सीट, जो पिछले 12 सालों से आरजेडी का जिस पर कब्जा रहा उस सीट पर एक बार फिर आरजेडी ने कब्जा जमाया है। 2015 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले संजय प्रसाद इस बार जेडीयू के टिकट पर ताल ठोक रहे थे, चुनाव हार गए हैं। आरजेडी के अजय कुमार सिंह इस सीट पर चुनाव जीत गए हैं। अब बात कर लेते हैं बेगूसराय सीट की। इस सीट को लेकर अभी थोड़ा मारामारी चल रही है। कुछ खबरें ये आई कि कांग्रेस उम्मीदवार 3500 वोटों से आगे चल रहे हैं, कुछ ने ये कहा कि जो उम्मीदवार हैं बीजेपी आरजेडी के मनोहर कुमार यादव वो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हमारी जो सूत्र है, हमने जो खबरें निकाली उसके अनुसार अभी भी जो कांग्रेस के राजीव कुमार हैं वही इस सीट पर आगे चल रहे थे। अब बात कर लेते हैं सहरसा की सीट की। सहरसा की सीट पिछली बार बीजेपी नहीं बल्कि लोजपा, रामविलास पासवान उस समय थे, उस दौरान एनडीए से लोजपा के टिकट पर नूतन सिंह चुनाव जीती थी, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू उनकी पत्नी है, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गई। इस बार के जो लड़ाई है उसमें वो बीजेपी के टिकट पर नूतन सिंह उम्मीदवारी दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आरजेडी ने अजय कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी ने गंगा सागर उर्फ छन्नी यादव को उम्मीदवार बनाया है। इस पर भी कुछ खास अपडेट अब तक नहीं आए हैं, इसलिए इस सीट के बारे में बताना थोड़ा अभी जल्दीबाजी होगी, तो इंतजार कीजिए। बात कर लेते हैं भागलपुर बांका की सीट की। भागलपुर बांका की सीट पर अब तक का जो रुझान है उसमें जेडीयू के विजय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। त्रिकोणीय लड़ाई थी, सिंपल यादव जो विधायक है मनोज यादव जेडीयू के, उनकी पत्नी भी निर्दलीय मैदान में थी लेकिन वो तीसरे नंबर पर हैं। सीपीआई के संजय कुमार जो महागठबंधन से चुनावी मैदान में थे वो दूसरे नंबर पर हैं। बात कर लेते हैं मधुबनी की सीट की। 6 उम्मीदवार कुल मैदान में, आरजेडी से मोहम्मद मिराज आलम, लेकिन खबर के अनुसार यहाँ पर निर्दलीय अंबिका यादव शुरुआती रुझान में आगे चल रहे थे। बीजेपी ने यहाँ पर उम्मीदवार नहीं दिया क्योंकि ये सीट इस बार जेडीयू के खाते में चली गई। विनोद कुमार जो पिछली दफा भी यहाँ जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। सुमन कुमार महासेठ जो निवर्तमान एमएलसी है यहाँ के, जिनका टिकट कट गया, वो भी निर्दलीय मैदान में है, लेकिन गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव शुरुआती रुझान में इस सीट पर आगे थी। फिलहाल का अपडेट नहीं है, इसलिए कोई गलत जानकारी हम आप तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बात कर लेते हैं पूर्णिया की सीट पर। पूर्णिया की सीट पर कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। जो पिछली बार दिलीप कुमार जायसवाल चुनाव जीते थे बीजेपी के, वही एक बार फिर चुनाव जीते हैं। अब्दुस सुबहान पूर्व विधायक को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया लेकिन वो दूसरे नंबर पर है। बात कर ले कटिहार की, तो कटिहार में कुल 8 उम्मीदवार मैदान में थे। कुंदन कुमार आरजेडी के टिकट पर और अशोक कुमार अग्रवाल जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे इस बार बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे थे। कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दिया लेकिन बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार अग्रवाल यहां से चुनाव जीत गए हैं। कुंदन कुमार आरजेडी के दूसरे नंबर पर रहे। तो कुल आंकड़ा हमने आप तक पहुंचा दिया है कि किसने किस सीट पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने कई सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। पूर्णिया, औरंगाबाद, समस्तीपुर, रोहतास, गोपालगंज की सीट पर वो जीत दर्ज कर चुकी है। कटिहार की सीट पर वो जीत दर्ज कर चुकी है। दरभंगा में वो आगे चल रही है। वहीं जेडीयू नालंदा, मुजफ्फरपुर, भोजपुर में जीत दर्ज कर चुकी है। भागलपुर और सीतामढ़ी में आगे चल रही है। आरजेडी मुंगेर, पटना, गया और पश्चिम चंपारण में जीत चुकी है का बताया जा रहा है। पश्चिम चंपारण को लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं है लेकिन खबर है कि जीत चुकी है। सिवान में वो आगे चल रही है। तो ये पूरा पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचा चुके हैं। ये तमाम जो एमएलसी चुनाव को लेकर जो अब तक की खबर रही आज की, उसमें हम आपको बता दें कि 2 सीट नवादा से निर्दलीय राजबल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव चुनाव जीते हैं। सारण की सीट पर निर्दलीय बीजेपी के बागी उम्मीदवार
सचिदानंद राय चुनाव जीत चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से बेगूसराय में बढ़त की बात बताई जा रही है। इस संबंध में जो दो तीन सीट बाकी रह गई है, कोई अपडेट आएगा हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करेंगे। आप बने रहिए बोले भारत के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।